हाय गाइस, संडे स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका फेवरेट एमसीयू सुपर हीरो कौन है, तो आप सभी में से मेजॉरिटी ऑफ लोगों का आंसर होगा टोनी स्टार्क, एके आयरन मैन। हाँ, वो बात अलग है, सबका अपना अपना फेवरेट कैरेक्टर होता है, बट आई एम श्योर आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जो आयरन मैन को स्पेसिफिकली हेट करता हो। और अगर ऐसे कोई लोग हैं जो आयरन मैन को हेट करते हैं तो कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आयरन मैन एक अल्कोहलिक और प्लेबॉय यानी कि ठरकी कैरेक्टर है, बट तब भी हम सभी का फैन फेवरेट मार्वल कैरेक्टर है। एमसीयू में और भी कैरेक्टर्स हैं जैसे कि कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, बट उनमें वो बात नहीं। किंतु अधिकतर माँ बाप का तो मानना है कि बेटा हो तो कैप्टन अमेरिका जैसा, लेकिन तब भी हमको आयरन मैन मांगता है। हम सभी ये अच्छे से जानते हैं कि ये एक शराबी और सो कॉल्ड हवस का पुजारी है। अरे भाई, एमसीयू के बड़े बाजार में ओडिन का लौंडा भी तो है, बट वो हमें उतना पसंद नहीं जितना कि हमारा जीनियस बिलियनरी प्लेबॉय फिलैंथ्रोपिस्ट। और कुछ नमूने तो ऐसे भी हैं जिन्हें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में आयरन मैन का कैमियो नहीं मिला तो उन्होंने मूवी के बारे में कहा ये तो टट्टी है। इन सभी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए हम इस कैरेक्टर में डीपली झांकेंगे और कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे जो हमारे आयरन मैन को बेस्ट एवेंजर प्रूव करेंगे। पॉइंट नंबर वन, आरडीजे। ये 2008 से पहले आयरन मैन को केवल वही लोग जानते थे जो या तो रेगुलर कॉमिक्स फॉलो करते थे या फिर टीवी शोज को, बट जैसे ही 2008 में आयरन मैन की फर्स्ट सोलो मूवी आई, ये कैरेक्टर लाइमलाइट में आ गया और कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट रॉबर्ट डाउनी जूनियर को जाता है जिन्होंने एक्टिंग कम बल्कि इस फिक्शनल कैरेक्टर को जिया है। और एक फन फैक्ट है, 2008 में आई आयरन मैन की फर्स्ट सोलो मूवी के लिए मोस्ट ऑफ द स्क्रीन प्ले डायलॉग्स लिखे तक नहीं गए थे। इसका मतलब जो डायलॉग्स आपने इस मूवी में सुने वो आरडीजे ने कोइंसिडेंटली कैमरा के सामने बोले हैं। और इस चीज का सबसे बड़ा एग्जांपल है ये आइकॉनिक लाइन, मैं ही आयरन मैन। और आज सिचुएशंस ऐसी हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बिना हम आयरन मैन के कैरेक्टर को इमेजिन तक नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर टू, कैरेक्टर डेवलपमेंट। अगर किसी कैरेक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करना हो तो सबसे पहले उसे डेवलप करो, एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आयरन मैन। एमसीयू में ये एक अकेला ऐसा कैरेक्टर है जिसकी जर्नी सबसे लंबी रही है, और आयरन मैन की अब तक की इस लंबी जर्नी में हमने इस कैरेक्टर के साथ हुए कई अप्स एंड डाउन्स को देखा है और फील भी किया है, जिससे हम इजीली आयरन मैन के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। और आपने एक चीज़ नोटिस की हो कि आयरन मैन के कैरेक्टर की टोन मूवी बाय मूवी डार्क होती गई है। इस कैरेक्टर को फाइनली एंड करने के लिए एक डेकेड लग गया, जिससे आयरन मैन को और भी ज़्यादा डेप्थ मिली, और इसी को कैरेक्टर डेवलपमेंट कहते हैं। पॉइंट नंबर थ्री, टू गो बियॉन्ड योरसेल्फ। आयरन मैन का एटीट्यूड और नेचर बाकी सुपर हीरो से टोटली डिफरेंट है, और आयरन मैन की सबसे खास बात है कि वो अपने पास्ट मोमेंट्स में हुए मिस्टेक से सीखता रहता है, इसलिए तो आयरन मैन को फ्यूचरिस्टिक भी कहा जाता है। अच्छा, आप खुल के सोचो और समझो, कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर है जिससे वो अपनी ह्यूमन लिमिट्स को पहले ही ब्रेक कर चुका है, और थॉर एक गॉड है जिसकी तो कोई लिमिट्स ही नहीं है, बट टोनी तो एक ह्यूमन है इसलिए उसकी कई लिमिट्स हैं, बट वो हमेशा ह्यूमन लिमिट्स से बियॉन्ड जाता है और हमारी एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस करता है, और यही चीज उसे रियल सुपर हीरो बनाती है ये जानते हुए भी कि वो एक ह्यूमन है। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक है मैं 6 लाइक तो हो जाएंगे मे बी। और हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पर कहीं से भी तुम नए आ गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो फिर ठीक है, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, बी बियॉन्ड।